अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वी आर बैक टू अदर एंड व्लॉग। तो वेलकम हो गया आप सबका मेरे व्लॉग में। तो भाई जी सो के उठ चुका है आपका भाई, फ्रेश भी हो गया। अब आपको मैं जो है ना ज़्यादातर फ्रेश ही मिलूँगा, क्योंकि सुबह जब मैं उठता हूँ यार काफ़ी ज़्यादा हालत बिगड़ी होती है, तो वेलकम करने का भी दिल नहीं करता। तो भाई आप सबका वेलकम हो गया, और जो है ना सर्दी भी लाहौर में काफ़ी हो चुकी है। आपके भाई ने नहाना था, दिल पे पत्थर रख कर नहाया हूँ, क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी लेकिन नहाना भी था, क्योंकि समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। खैर एनीवेज चलते हैं अब अपने आगे मिशन की तरफ। अब चलते हैं हम क्या आगे क्या करना है व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो फिर सबसे पहले तो आपके भाई ने अपने सिम में बैलेंस करवाना है, बैलेंस डलवाना है, क्योंकि आपके भाई के पास बिल्कुल ही नेट भी नहीं है, बैलेंस कुछ भी नहीं है। तो फिर 3 मिनट लेट है जी भाई लोग। तो ये अपनी नई गाड़ी, तो ये भाई जी आपका भाई इसके अंदर बैठा है, काफ़ी इजी फील हो रहा है, और गाड़ी से काफ़ी ऊंची गाड़ी है, ठीक है। तो कैसी है भाई जी बताना सब, बाकी मुझे तो काफ़ी पसंद आई है, इजीली गाड़ी है किया स्पोर्टिज। भाई ये मुझे सांस कम चढ़ा हुआ है, और मैं दरअसल बाहर से आया हूँ, तो मुझे सर्दी ज़्यादा लग रही है, इस वजह से मेरी सांस ऐसे हो रही है। फुल इजीली गाड़ियाँ चलते हैं, अब इसके ड्राइव चेक करते हैं। तो ड्राइव के दौरान वीडियो नहीं बना सकते हूँ, क्योंकि नई गाड़ी है, अभी हाथ नहीं सेट इसके ऊपर इतना, तो अल्लाह ना करे वीडियो बनाते वक्त कहीं लग ही ना जाए। तो फिर चलते हैं ड्राइव चेक करते हैं इसकी। तो A few moments later. जी भाई जी वो गाड़ी की ट्रायल ली थी कि याकी काफ़ी अच्छी है, ड्राइव काफ़ी अच्छी लगी है मुझे, उसकी स्मूथनेस बहुत प्यारी है भाई जी। तो जैन भाई भी फाइनली स्कूल से आ चुके हैं। जैन भाई परेशान है, कुछ रीज़न है वो आपके साथ शेयर अभी कर नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते, अभी क्या कभी भी नहीं कर सकते। तो कोई मसला नहीं जैन भाई, अल्लाह आपके लिए बेहतर करेगा, इट्स ओके। तो जैन भाई कह रहे थे कि यार सैटरडे को कहीं चलते हैं, तो फिर सोच रहे हैं कहाँ चलें, आप बता दें किधर जाएं कमेंट बॉक्स में, ओके। तो बाकी अभी जो है ना क्या, हाँ जाना है भाई, कुछ बता सकते हैं आप? मैं तो कहता हूँ यार क्या अपना नाम लेते हैं, लंच करने चलते हैं जैन भाई। जैन भाई को ना सफाई का काफ़ी शौक है ना, इसलिए आपने कदम कर दिए। इट्स ओके इट्स ओके। जैन भाई मुझे बता दें फिर लंच करने किधर जाना है, सोचेंगे अभी, सोचेंगे नहीं चलते हैं, मुझे भूख लग रही है भाई, लंच करने चलते हैं, क्योंकि आपके भाई ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी साथ ही हो जाएगा। बता दें आप फिर क्या करने जाने, करते हैं कुछ नहीं करो भाई। तो भाई जी तो भी चलते हैं, गाड़ी में फ्यूल भी कम है। ओहो गाड़ी में फ्यूल भी कम है, देख सकते हैं आप। जैन भाई फ्यूल भी डलवाने वाला है, कोई बात नहीं जैन भाई, क्योंकि किया ना आपने डलवा दिया था ना, चले इट्स ओके, इसमें भी डलवाने वाला हुआ है। तो जब करने जाएंगे ना लंच, तो साथ ही पेट्रोल पंप पे भी चले जाएंगे, ठीक हो गया। और चलते हैं भाई जी अब आगे की तरफ। चलो भाई जी गाड़ी के ऊपर जाना था, जैन भाई कहते हैं नहीं बाइक के ऊपर जाते हैं, तो चलते हैं भाई जी बाइक के ऊपर चलते हैं, क्योंकि जैन भाई ने जो बोल दिया वो बोल दिया। अरे क्या था? तो फिर बाइक के ऊपर अब चलते हैं, फिर अब देखते हैं आगे क्या करना है। जैन भाई आपके मैं बाइक, ये गाड़ी की चाबी अंदर रख दें आप प्लीज, ये गाड़ी की चाबी तो अंदर रखो, पास ही रखो आज यार, ये बात गलत है। जैन भाई कह रहे हैं मैं ड्राइव करूंगा, ओके जैन भाई इट्स ओके। जैन भाई हाँ जी भाई जी लंच करके आ रहे थे, तो रास्ते में स्कूल के बाहर हमें एक लड़का मिला है, ये फिर देख ले स्कूल के बाहर खड़ा है, 4 बजे का टाइम है ट्यूशन का, और ये फिर आ गया स्कूल के बाहर। 2 बजे चलो भाई अभी आप क्यों खड़े हैं बाहर क्यों खड़े हैं, आप समझ जाएं कि स्कूल का ये देख लें गेट खुला हुआ है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, सीन लगा लें कि ये बाहर क्यों खड़ा है, ये देख ले घर का सामान भी नहीं छोड़ के और इधर आ गया भाई, जिधर भी है ये देख सकते हैं भाई आप, ठीक है ना। ओ भाई अल्लाह आपको नेकी की हिदायत दे। तो जैन भाई आप भी बताएं ने कि ये नेकी की बहुत बड़ी खाचा है। हाँ तो ये खुद स्कूल के बाहर क्या कर रहे हैं,
अब हम तो आपको देख के रुके हैं भाई, हम तो आपको देख के रुके हैं। मैं तुम्हें 1 hour later भाई लोग फाइनली शॉप पे आ गए हैं, पार्किंग में गाड़ी भी पार्क कर दी है, तो अब चलते हैं शॉप पे। शॉप पे चल के काम शाम करते हैं, जो काम है वो निपटाते हैं। तो भाई गाड़ी जो है ना भाई जान ओके वाली पार्क हो गई है, ठीक है, जो की है वो घर खड़ी है, तो ओके हो गया बॉस, गाड़ी पार्क होगी। तो फिर अब चलते हैं शॉप की तरफ, तो गाड़ी की चाबी निकाल। तो जी भाई गाड़ी पार्क कर दी, अब शॉप की तरफ जा रहे हैं, तो शॉप पे चलते हैं, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। निकल। तो जी भाई लोग आपके भाई को पार्किंग स्टैंड से कॉल आई थी कि गाड़ी निकालने, जरा गाड़ी साइड पे कर लें, गाड़ी वो निकालनी है। तो मैं आया था भाई, वो गाड़ी जो है ना फाइनली निकल चुकी है और गाड़ी अपनी सेफ जगह पे पार्क कर दी है। देख भी सकते हैं आप कि गाड़ी जो है ना फुल ओके हो गई है। अब चलते हैं वापस शॉप पे, आपको भाई शूज़ भी नहीं पहन के, देखो शॉप की जूती पहनी है, काफ़ी जो है ना सर्दी है, तो ओके हो गया बॉस। वो सामने वाली ग्रैंडी निकलनी थी, तो वो अभी आ रहे हैं जिनकी गाड़ी थी, क्योंकि हमने गाड़ी इधर खड़ी की थी ना, तो वो गाड़ी अब जा रही है, तो गाड़ी अब पार्क कर दिया अपनी जगह पे। तो भाई बहुत ज़्यादा जो है ना ठंड हो गई है, देख रहे हैं धूप वाला तो कोई सीन ही नहीं ना, दूर दूर तक काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई इधर, देख सकते हैं आपका भाई शॉप की जूती पहन के आया हुआ है, शूज़ भी नहीं पहने। तो भाई ये अपनी पार्किंग, ये यहाँ पे गाड़ी पार्क होती है, ये 4th street 4th number gate है। तो भाई आपको आगे का व्यूज दिखाते हैं, फुल सनक्सी किस्म का सीन है यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं भाई यार, कोई मसला नहीं सर, देख सकते हैं सर आप। बाकी भाई शॉप पे चल के काम देखते हैं, फिर और क्या करना है आगे। तो बाकी जो है ना आगे चलते हैं। और क्यों हो गया, पार्किंग स्टैंड आपको दिखा दिया, तो बाकी आगे चलते हैं फिर आप। A few moments later. भाई लोग तो ये अपने हसन भाई हैं, ये आते हैं दरोगे वाले से, मशीनी स्टोर जो है ना ये वहाँ से आते हैं, ये वहाँ पे इनका घर है। तो ये हसन भाई बहुत ही अपने नाइस बंदे हैं, इनका हेयर स्टाइल देख के ना मुझे जेलसी होती है, क्योंकि बहुत अच्छा मास्टर ये देखे माशाल्लाह कैशियो कैश है, ये देखा कैश छुपा रहे हैं, ये कह रहे नजर ना लग जाए कहीं। असल में इधर सबको जरा कह दे कि सब्सक्राइब कर दे मेरे पेज को प्लीज, रिक्वेस्ट है इधर के ना मुझे नहीं। हाँ जी भाई लोग आपका भाई जरा शॉप से जरा छुट्टी कराया था, क्योंकि आपके भाई ने जरा डिनर पे जाना था, कुछ गेस्ट आ रहे थे, तो गेस्ट आ चुके हैं, उनके साथ डिनर पे चलते हैं, तो फिर आगे आपको फूड स्ट्रीट का व्यूज दिखाते हैं, जो लोकेशन पर हम आए ना फूड स्ट्रीट डिनर करने, तो आपको लोकेशन विजिट करवाते हैं, बाकी आप ऐसे ऐसे देखें। बाकी आगे चलते हैं और लोकेशन को ज़रा विजिट करके आपको भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो हाँ जी भाई लोग फाइनली 4th street लाल हवेली रेस्टोरेंट ऊपर जा रहे हैं सर डिनर करने, तो ऊपर चल के आपको व्यूज़ दिखाते चलते हैं। तो ये अंदर का व्यूज़ आप देख सकते हैं, आप पूरा ही भाई जान मैक्सी सीन किया हुआ, एंटीक सा सीन है, अच्छे वाले पूरा एंटीक सीन है, ये देख सकते हैं आप, पूरा मैं कहता हूँ रोमांटिक सीन है भाई जान। ये सामने शीशे में आपको अपनी शक्ल दिखा नहीं सकता, क्योंकि फुल्ली एंटीक सीन है अंदर का, क्या बात है भाई जान,
लेवल की जगह लेवल लेवल हो गया यकीनन अच्छे वाले पूरा एंटीक सीन है भाई जान, ये देख सकते हैं सामने कपल भी जा रहा है तो कोई मसला नहीं, अपने टाइम ये आएगा। ये उसकी छत है, ऊपर आप सामने देख सकते हैं सामने अपनी गाड़ी खड़ी है भाई, नीचे देख कर डर लग रहा है पूरा ही जो है ना, नीचे देख के खौफ आ रहा है मुझे तो अभी और इससे ऊपर जाना है तो एक फ्लोर रोड ऊपर चलते हैं। तो फिर ये हम जो है ना हम आ गए हैं भाई जान ऊपर, तो क्या बात है पूरी लेवल की जगह है, सामने बादशाह मस्जिद आप देख सकते हैं क्या बात है। वो मस्जिद जो है ना आपको ब्लर नज़र आती होगी, वो इसलिए क्योंकि धुंध वगैरह पड़ रही है ना इस वजह से, तो बाकी फिर भी कोई मसला नहीं, सर्दी ऊपर है लेकिन भाइयों ने ना जो है ना पूरा टीक सीन किया हुआ है क्या बात है, आग लगाई हुई है वो देख सकते हैं सामने, तो फील नहीं हो रहा यार यकीन मानो मज़ा आ रहा है। तो बाकी जी भाई लोग रोटी छोटी आ गई है तो रोटी छोटी खाते हैं, तो फिर डिनर करने के बाद फिर आपको मिलते हैं, देख सकते हैं पूरी लेवल की खाना आ गया भाई जान। तो क्या बात क्या बात। A few moments later. तो हाँ जी भाई लोग खाना शाना खा के फ्री हो गया, डिनर कर लिया, तो स्मार्ट लॉकडाउन है आपको पता ही होगा 10 बजे तक का टाइम है, तो भाई जान 10 बज गए हैं तो ये देख सकते हैं आप भाई ने क्लोजिंग शुरू कर दिया भाइयों ने, तो फिर अब चलते हैं आगे जी भाई जी। तो भाई जी ज़रा जो गेस्ट आए थे उनके साथ ज़रा उनकी गाड़ी में ज़रा जा रहे हैं, छोटा सा काम था वो करने, काम ये था ज़रा पान शान खाने जा रहे थे अंदर, साहब जो है ना क्लोजिंग हो गई है क्योंकि आपको पता है स्मार्ट लॉकडाउन है, तो इस वजह से उनकी गाड़ी को पड़ी जा रहे हैं बाहर से कहीं से पान खाने, तो फिर आके फिर अपनी गाड़ी निकाल लेंगे, अभी एक गाड़ी को पड़ी जा रहे हैं, तो चलते हैं भाई जान आगे अपने काम की तरफ। तो हाँ जी भाई जान, तो भाई की गाड़ी में फ्यूल जो था वो कम था तो फ्यूल डलवा लें, तो फिर चलते हैं आगे पान शॉप पे। हाँ जी भाई जी, तो पान वाले शॉप आ गए थे भाई, भी तरह छुप छुप के पान बेच रहे हैं, तो छोटा छोटा चेक करते हैं भाई भी चलेगी तो तो हाँ जी भाई जी, जो फाइनली गेस्ट आए थे वो चले गए हैं अपने घर और हम जा रहे हैं अपने घर, तो अपनी भी गाड़ी में फ्यूल कम था, वो आगे भाई ने अपनी गाड़ी में डलवाया था, तो अब हम अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं, तो फ्यूल कम था तो फ्यूल अब डलवा के तो फिर अब घर चलते हैं। तो बाकी भाई आज फुल इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो फ्यूल डलवा लें फिर आगे जा के आपको मिलते हैं। तो हाँ जी भाई लोग, फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, तो उम्मीद है व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ओके अल्लाह हाफिज़।